दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। काथथा खां ने क्रमशः 16,000 रुपया तथा 12,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद का ने 5,000 रुपया निकाल लिया, जबकि खां ने 5,000 रुपया और लगा दिया। इसके 3 माह बाद गा भी 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 1 साल बाद 26,000 रुपये के लाभ में से खां का भाग गा के भाग से कितना अधिक होगा? 1 साल बाद, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब इन लोगों ने 1 साल तक व्यापार किया है 12 महीने तक, और 12 महीने का लाभांश है 26,400 रुपया। तो चलिए हम सबका हिस्सेदारी देखते हैं। का खा गा का कितना, और इसमें हम देख रहे हैं कि 16,000, 12,000, 5,000 ऐसे है, तो 21,000, तो ये 3 जो हज़ार हैं, कहने का मतलब हज़ार को हम कॉमन लेके चलते हैं, छोड़ के चलते हैं, यानी 16 कितना महीना तक? 3 महीना तक, 3 महीना तक लगाया है। उसी प्रकार से 3 महीना के बाद क्या किया है इन्होंने? 5,000 निकाल लिया है, तो 16 में से 5,000 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11। और ये कितना महीना तक लगा? 3 महीना पहले लगा चुका है, साल भर का बात है, तो मात्र 9 महीना और बचा, तो 9 महीने के लिए लगा दिया इन्होंने। खा का क्या है कि शुरू में ये 12,000 लगाता है, यानी 12 लगाता है, कितना महीने के लिए? 3 महीने के लिए। उसके बाद क्या करता है ये? 5,000 और लगा देता है, तो 12 पहले से था तो 5 और लगा दिया, तो कुल इसका मूल हुआ 17,000। तो ये कितना दिन का रह गया? 3 महीना पहले लगा चुका है, तो ये 9 महीना और बचा। अब क्या बोल रहा है? लगा दी, इसके 3 माह बाद, 3 माह तो पहले ही खत्म हो चुका है, और इसके फिर 3 माह बाद, यानी कुल मिला के 6 माह बाद 21,000 रुपया लगाकर गा भी शामिल हो जाता है। तो गा का क्या हो जाएगा? 21,000 रुपया, तो यानी 21 कितने महीने के लिए मात्र लगाएगा? 3-3, 6 माह पहले ही समाप्त हो चुके हैं, तो केवल 6 महीने के लिए लगाएगा। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 48 प्लस 99, तो हो जाएगा ये 147, ये हो गया 36 प्लस 153, तो ये हो जाएगा 189, और ये होगा 126, कुल जोड़ लेंगे तीनों को तो 462 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका कुल इतना है, और सबकी हिस्सेदारी इस प्रकार से बटी हुई है। अब लाभ कितना हुआ है? 26,400 रुपया, कुल कितना है? 462। इसमें क्या बोल रहा है? खा का भाग गा के भाग से कितना अधिक है? तो खा माइनस गा बराबर कितना हो जाएगा? खा, यहां पे लिख लेते हैं, चलो खा माइनस गा, खा कितना है? 189, और गा कितना है? 126, बराबर कितना हो गया? देख लीजिए आप कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों? 63, ठीक है, तो 63 अधिक है इसे, इसका यानी भाग 63 होगा, तो यहाँ पे कर देंगे 63। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 21 63, 21 2 42, और 21 2 42, 22 1 22, और 22 2 44, ये 1200, तो कुल मिला के आ गया 3600, यानी 63 बराबर 3600 रुपया। तो ये किसका हिस्सा हो गया? ये दोनों का। कितना अधिक था? तो 3600 रुपया अधिक था, ये आपका आंसर है। धन्यवाद।